यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी सहित कई परीक्षाओं में धांधली के विरोध में अल्बोड़ा में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्रों के समर्थन में कांग्रेस से विधायक मनोज तिवारी भी धरने पर बैठ गए। उत्तराखंड में परीक्षा घोटालों के विरोध में प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। आक्रोशित छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार के सामने 5 सूत्री मांगे रखी हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग उत्तराखंड समेत अन्य सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। परीक्षा घोटालों को लेकर अल्मोड़ा में छात्र छात्राओं ने मुखर होकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। चौधियान पाटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने एकत्र होकर भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा कराने की मांग की है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान हुई है तब से लगातार जो हमारे बच्चे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं को दे रहे हैं, चाहे वो मध्यम परिवार के हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे अन्य परिवार के हो, और वो पूरी मेहनत करके परीक्षा में साक्षात्कार देते हैं या रिटर्न देते हैं और उसके बाद इस तरह के पेपर लीक होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति है और जो उसके योग्य है वो कहीं ना कहीं अपने आप को हताश महसूस करता है। और आज पूरे उत्तराखंड के जनमानस में हम देखें जो हमारा युवा है वो कहीं ना कहीं अपने हतोत्साहित महसूस कर रहा है।